सबसे पहले आप लोग को दिखाते हैं, बच्चा जब साइकिल चला रहा था तो बैलेंसर लूज हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो देखिए देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए, और इधर वाला भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इसके कारण से बच्चा जो है साइकिल चला नहीं पा रहा था, बैलेंस बनाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। और बार बार लूज होने का प्रॉब्लम क्या है, ये नट को आपको खोल लेना है, बैलेंसर आपका बाहर आ जाएगा। तो हम दोनों साइड का फटाफट खोल के बैलेंसर को बाहर निकालते हैं। जैसे कि गाइज हम बैलेंसर को खोल दिए हैं, और बैलेंसर को खोलने के बाद हम आप लोग को दिखा, देखिए अंदर में एक नट टाइट है, ठीक है, जिसमें चक्का फिक्स किया हुआ है, ठीक है। एक्सल नट को आपको फुल टाइट दे देना है, ठीक है, इस तरीके से आपको जो एकदम फुल टाइट देख लेना है। तो हम जो है दोनों ही साइड में फुल टाइट कर दिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंसर ले लेना है। बैलेंसर लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसा कि हम आप लोग को एक पत्ती बताए थे गाइस, तो ये रहा वो पत्ती। सो गाइस, क्या आप परेशान हैं अपना बच्चा का साइकिल को लेकर के जिसमें बैलेंसर लगा हुआ है इस तरीके का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और बैलेंसर बार बार लूज हो जाता है, बच्चा साइकिल चला नहीं पाता है, आपको परेशान करता बार बार कि पापा हमें लेकर के चलिए दुकान में, हमारा साइकिल को ठीक कर दीजिए। तो आज मैं आप लोगों को वही चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने घर में ही अपना बच्चा का साइकिल का बैलेंसर जो है उसे फिक्स किस तरीके से कर सकते हैं, और बार बार लूज होने का प्रॉब्लम क्या है, ये जो बार बार लूज़ हो जाता है बैलेंसर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, देखिए देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए बैलेंसर कितना ज़्यादा लूज़ है, ठीक है गाइस। तो ये लूज़ होने का रीज़न क्या है, इसे फिक्स किस तरीके से करना है, और लूज़ आपका नहीं होगा जब आप अपना बच्चा का साइकिल का बैलेंसर को फिक्स कर देंगे, उसके बाद बच्चा आपका आराम से साइकिल को चलाएगा और आपको परेशान भी नहीं करेगा, और आपका समय भी बचेगा, और आप जो काम कर रहे हैं वो काम भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग का ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक ही चीज़ कहेंगे गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को साइकिल के रिलेटेड में नॉलेजफुल वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अदर दोस्तों को भी काम में आने वाला वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को दिखाते हैं, बच्चा जब साइकिल चला रहा था तो बैलेंसर लूज हो चुका है ऑटोमेटिकली। तो देखिए देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए, और इधर वाला भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इसके कारण से बच्चा जो है साइकिल चला नहीं पा रहा था, बैलेंस बनाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। अब इसे फिक्स किस तरीके से करना, चलिए आप लोग को बताते हैं। उससे पहले एक चीज़ आप लोग को हम क्लियर करना चाहेंगे, आपका बच्चा 14 इंच साइकिल चलाता हो या फिर 16 इंच साइकिल चलाता हो या फिर 20 इंच साइकिल चलाता हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 20 इंच का साइकिल है, सारे साइकिल में सेम प्रॉब्लम होता है। जिस तरीका से हम आप लोग को बता रहे हैं उसी तरीका से करना है, आपका बच्चा का साइकिल का जो बैलेंसर है उसे फिक्स किस तरीका से करना है, चलिए आप लोग को बताते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अच्छी तरीका से देखें, आप लोग को समझ में आ जाएगा किस तरीका से करना है। इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट बात भी आप लोग को बताए हैं। जैसा कि गाइज ये बैलेंसर आप देख पा रहे हैं, ये बैलेंसर में देखिए अंदर में एक लॉक है, लेकिन ऊपर में एक पत्ती रहता है जिसे इसे सपोर्ट करता है, ठीक है, और यह एक्सल नट फुल टाइट होने का काम करता है। तो लेकिन इसमें देखिए एक जो है ऊपर में पत्ती नहीं दिया हुआ है, जो कि लॉकिंग होता है और बढ़िया से आपको फुल टाइट लेता है। तो चलिए हम आप लोग को आगे दिखाते हैं वो कौन सा पत्ती है, आपका बैलेंस में लगा हुआ है या नहीं है। उससे पहले हम आप लोग को दिखाएंगे, देखिए गाइस इसका जो चक्का देख पा रहे हैं, इसका चक्का देखिए थोड़ा सा प्ले है, ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका चक्का जो थोड़ा सा प्ले, इसे भी हम टाइट करेंगे। चेन अगर लूज हो जाता है तो चेन को किस तरीके से टाइट करना है वो भी चीज़ बताएंगे। ये बैलेंसर ठीक करते करते आप लोग को ये सब सारा प्रॉब्लम बताएंगे किस तरीके से ठीक करना, एक साथ में सारा प्रॉब्लम होता है। खाली आप अगर बैलेंसर ठीक कर देते हैं और चेन अगर लूज़ हो जाता है तो चेन भी आपका गिरने का प्रॉब्लम आ जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो बैलेंसर का हब एक्सल जो नट देख रहे हैं, ये नट को आपको खोल लेना है, बैलेंसर आपका बाहर आ जाएगा। तो हम दोनों साइड का फटाफट खोल के बैलेंसर को बाहर निकालते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं। ये देखिए हमने एक साइड का जो खोल लिए हैं, बाहर निकाल लिए हैं, अब दूसरा साइड का हम खोल लेते हैं। तो ये देखिए हमने जो दोनों साइड का खोल लिए हैं, बैलेंसर क्लियर हो चुका है। और जैसा कि हम आप लोग को बताएंगे इस अंदर में एक लॉक रहता है, तो देखिए ये जो लॉकिंग है, ठीक है, ये लॉकिंग सिस्टम है, ये अगर फुल टाइट हो जाता है बैलेंसर तो ये क्या होता है कि बैलेंसर को आगे पीछे हिलने नहीं देता है, और बच्चा आसानी से साइकिल को चला पाता है, एकदम स्मूथ और फाइन लगता है, और बच्चा गिरता भी नहीं, बैलेंस भी आसानी से बना सकता है। जैसे कि गाइस हम बैलेंसर को खोल दिए हैं, और बैलेंसर को खोलने के बाद हम आप लोग को दिखा, देखिए अंदर में एक नट टाइट है, ठीक है, जिसमें चक्का फिक्स किया हुआ है, ठीक है गाइस। उसके बाद उसका ऊपर में ये आपका जो है बैलेंसर लगा हुआ था। तो किसी किसी साइकिल में आपका क्या होता है कि डायरेक्टली बैलेंसर का साथ में ऊपर से नट को टाइट किया हो रहा था, चक्का भी फिक्स रहता है और बैलेंसर भी फिक्स रहता है, वो आपका रड सिस्टम वाली रहता है, ठीक है गाइस। तो आप अपना आपका साइकिल में देख लीजिएगा, वो रड सिस्टम वाली तो नहीं है, तो रड सिस्टम वाली को किस तरीके से फिक्स करना है इसको कंप्लीट करते हुए हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है, कि उसको किस तरीके से फिक्स करना है। इसको भी फिक्स करेंगे और उसको भी बताएंगे कि वो भी किस तरीके से फिक्स करना है। आपको जो है चक्का का प्ले जो बता रहा है, ये प्ले जो हम आपको दिखाएं, ये प्ले को टाइट करना है, ठीक है।
तो आपको हवेक्सल नट को जो है इस तरीके से लूज़ करना है। चक्के वाली नट को लूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, अंदर में एक आपका बायरिंग रहता है, ठीक है। ये बायरिंग को क्या करना है, आपको हल्का सा इस तरीके से टाइट करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम टाइट किए, ठीक है। टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, चक्का को मिडिल पे देख लेना, ठीक है। मिडिल पे देखने से पहले आपको एक चीज़ देखना है, अगर आपका साइकिल का चेन अगर लूज है आपका, तो आपको क्या करना है, चक्का को मिडिल पे पकड़ के टाइट नहीं करना है, आपको एक साइड करना है, देखिए इस तरीका से, ठीक है। तो इस तरीके से एक साइड कर लेना है अपना तरफ, उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से हाफ एक्सल नट को जो है इस तरीके से आपको टाइट कर देना है, इस तरीके से टाइट कर देना है। ये देखिए चक्का हमारा हल्का सा, और पहले बता रही बैरिंग और थोड़ा सा टाइट होगा, तो हम क्या करेंगे, फिर व्हील साइड वाला जो हाफ एक्सल नट है उसे हम लूज करेंगे, इस साइड वाला अपोजिट साइड वाला, ठीक है। और चक्का को हम क्या करेंगे, इस साइड में प्रेस करेंगे, ठीक है, इस साइड करेंगे। तो ये देखिए हम जैसे इस साइड प्रेस किए तो हमारा चेन जो है टाइट हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाफ एक्सल नट को टाइट करेंगे जिस तरीके से लूज किए थे, उसके बाद आपको क्या करना है, टाइट करने के बाद जो है ये देखिए चेन भी हमारा जो एकदम टाइट हो चुका है और चेन गिरने का प्रॉब्लम अब नहीं होगा। और आपको क्या करना, पैडलिंग को घुमा करके इस तरीके से देखना है, ठीक है। तो ये देखिए हम पैडलिंग को भी घुमा रहे, पैडलिंग भी हमारा एकदम फ्री घूम रहा, फाइन घूम रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसका मतलब चेन ज़्यादा टाइट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, हल्का सा लूज करेंगे, ठीक है। तो लूज किस तरीके से करना है आपको, फिर आपको क्या करना है, नट को इस तरीके से लूज करना है। लूज करने के बाद आपको सिर्फ टाइट कर देना है, और पैडलिंग को जब आप घुमाएंगे, हमारे तो पैडलिंग देखिए हमारा एकदम फ्री घूम रहा है, तो इस तरीके से आपका चेन ऑटोमेटिकली एकदम फिक्स हो जाएगा, जिस तरीके से हम बताएं आपको उस तरीके से कर लेना है। और देखिए पैडलिंग भी हमारा जाम नहीं बता रहा, तो बच्चा आसानी से आप साइकिलिंग कर सकता है। अब चलिए बैलेंसर को किस तरीके से फिट करना है बताते हैं। बैलेंसर को फिट करने से पहले हम आप लोग को जैसा कि बताएं चक्का हल्का फिर से प्ले बता रहा है, तो प्रॉपरली फिक्स नहीं हुआ था, तो फिर से हम प्ले को जो है जिस तरीके से किए थे उस तरीके से हम प्ले को पहले टाइट करते हैं चक्के वाले, उसके बाद फिर बैलेंसर को हम फिट करेंगे। तो ये देखिए हमने जो है एकदम चक्का को फिक्स कर दिए हैं, जो प्ले का प्रॉब्लम था वो क्लियर हो चुका है। तो इसी तरीके से चक्का प्ले अगर हो जाता है बच्चा का साइकिल में, तो आसानी से आप प्ले को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आपको व्हील को घुमा के देखना है। तो ये देखिए हमारा व्हील भी एकदम फ्री और फाइन घूम रहा, कोई दिक्कत नहीं है, और चेन भी हमारा सही से रोटेट कर रहा है। देखिए चेन भी हमारा सही से एकदम रोटेट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा चक्का फिक्स हो गया, चेन भी हमारा टाइट हो चुका है। उसके बाद क्या करना है कि बैलेंसर आप फिट करना है। बैलेंसर को फिट करने से पहले आपको क्या करना है, ये जो दोनों हाफ एक्सल नट आप देख रहे हैं चक्का को फिट करते समय, अगर फुल टाइट कर लिए हैं तो ठीक है, अगर फुल टाइट नहीं किए हैं तो हाफ एक्सल नट को आपको फुल टाइट दे देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो एकदम फुल टाइट देख लेना है। तो हम जो है दोनों ही साइड में फुल टाइट कर दिए हैं, ताकि चक्का जो है हिलने का प्रॉब्लम ना है और ऑटोमेटिकली लूज ना हो। अगर हाफ एक्सल नट अगर लूज होता है तो चक्का फिर आपका प्ले हो जाएगा और एक साइड हो जाएगा, उससे चक्का जो है आपका चेचिस में सटेगा, ठीक है, फ्रेम का चेचिस में। तो इस तरीके से प्रॉपरली आपको जो है हाफ एक्सल नट को टाइट कर लेना है चक्के वाली, लेकिन हद से ज़्यादा टाइट ना दे। हद से ज़्यादा अगर टाइट देते हैं तो ये हाफ एक्सल नट क्या होगा कि स्लिप हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, तो फिर ये हाफ एक्सल आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ का ध्यान देते हुए फुल टाइट कर लेना है। उसके बाद आ जाता है ये दो लॉक, ये जो लॉक आप देख रहे हैं बैलेंसर का, ये लॉक अगर आपका मुड़ चुका है तो इसे आपको सीधा कर लेना है, ठीक है। तो प्लायर ले करके आपको सीधा कर लेना है, आसानी से ये आपका सीधा हो जाएगा, ठीक है, या फिर हैमर वगैरह करके आपको इसको सीधा कर लेना है। तो हमारा दोनों ही एकदम सही है, देखिए जरा सा भी बेंड नहीं है, टेढ़ा उढ़ा रहता था, आपको सीधा करके भी दिखाते हैं, हालांकि ये जल्दी टेढ़ा नहीं होता ये लॉक। ये जो लॉकिंग सिस्टम आप जो देख रहे हैं इसे आपको क्या करना, देखिए तो यहाँ पर देखिए चक्का एडजस्ट का जगह बना हुआ है, जो कि चेन टाइट और लूज करने का काम आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से लॉकिंग को जो है अंदर की ओर प्रेस करना है पहले, उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंसर ले लेना है। बैलेंसर लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसा कि हम आप लोग को एक पत्ती बताए थे गाइस, तो ये रहा वो पत्ती, ठीक है। ये पत्ती को क्या करना पड़ता है गाइस, कि इस तरीका से फिट करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप इस तरीका से फिट कर देते हैं तो ये पत्ती क्या होता है कि फुल सेफ्टी हो जाता है और बैलेंसर सही से प्रॉपरली टाइट हो जाता है, और हिलने का जो लूज होने का जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं होता है, ठीक है। अगर होगा भी तो बहुत ही बाय द वे होता है, जल्दी नहीं होता है। इसमें हम एक और प्रॉब्लम आप लोग को बताने वाले हैं लास्ट में, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, लास्ट में हम आप लोग को बताएंगे कि ये जो लूज होने का प्रॉब्लम क्यों होता है। चलिए हम पहले इसको हम फिक्स कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, मिला करके आपको फिक्स करना है, ठीक है। तो हम एक साइड पहले इसको टाइट करते हैं, इसको आपको जो है एकदम स्ट्रेट में और मिडिल में देख करके आपको जो है टाइट कर लेना है, ठीक है। हाफ एक्सल नट को फुल टाइट ना दे अभी। तो ये देखिए हम जो है मिला करके टाइट कर दिए हैं, अब हम ऑपोजिट साइड में कर लेते हैं। उसके बाद आपको चेन कवर साइड की ओर आ जाना है, और जिस तरीके से हम आपको लॉक लगाने के लिए बताएं उस तरीके से लॉक को आपको लगा लेना है, बैलेंसर लॉक को। उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंसर को लगाना है, और उसके बाद बैलेंसर का जो सपोर्ट पत्ती है ये सपोर्ट पत्ती को आपको लगाना है इस तरीके से,
ये सपोर्ट पत्ते अगर आपका बच्चा का साइकिल का बैलेंस में लगा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लगा हुआ है तो कोई भी साइकिल शॉप में जाए जहाँ पर ये न्यू साइकिल सेल होता है वहाँ पर ही जाकर के आपको बोलना है बैलेंसर का सपोर्ट पत्ती हमें दीजिए, ठीक है गाइस, तो वो आपको दे देंगे। अगर जाकर के आपको फिट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, वाशर लगा करके इस तरीके से नट को आपको जो है टाइट कर देना है, ठीक है गाइस। तो ये देखिए हमने जो दूसरा साइड में भी नट को बढ़िया से जो है इस तरीके से टाइट कर दिया, फुल टाइट नहीं दिए हैं, तो ये देखिए हमारा काम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंसर जो आप फिट किए हैं वो चीज़ को आपको देखना, ठीक है। साइकिल को एकदम आपको स्टेड में रखना, ठीक तरीके से झुका हुआ जरा सा भी नहीं होना चाहिए, ना आपको लेफ्ट साइड झुका हुआ होना चाहिए ना राइट साइड झुका हुआ होना चाहिए, इस तरीके से आपको देख लेना है। देखने के बाद आपको जो है क्या करना, साइकिल को स्टेड में रखना है। स्टेड में रखने के बाद आपको क्या करना है, बैलेंसर जो आप सेट किए थे तो बैलेंसर को आपको देखना है। बैलेंसर अगर आपका इस तरीका से प्ले बता रहा है और साइकिल आपका इस स्टेड में है एकदम, तो इस तरीका से देख करके आपको फिटिंग कर लेना है। बैलेंसर आपको ज़्यादा प्ले ना हो, ठीक है, मीडियम में प्ले होना चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए यह बैलेंसर इतना प्ले है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि बच्चा गिरेगा नहीं और आसानी से बैलेंस बना पाएगा और साइकिल भी आसानी से चला पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इससे ज़्यादा अगर आप प्ले रखते हैं जैसा कि देख पा रहे हैं तो इसमें आपको बच्चा जो है डरेगा साइकिल चलाने में और बच्चा गिरने का भी ज़्यादा संभावना हो जाता है, तो इसे आपको मिडिल पर रख लेना जैसा कि हम बताएं। और एकदम ज़मीन में आपको सटा करके एक लेवल में भी नहीं रखना है, ठीक है, बैलेंसर को एक लेवल में नहीं रखना है। चक्का साइकिल जैसा स्टेड में है उस तरीका से आपको बैलेंसर को नहीं रखना, बैलेंसर को इस तरीका से थोड़ा सा अप डाउन रखना है आपको। ये होता है बैलेंसर फिट करने का तरीका। बैलेंसर को सही से आपको मिला करके और हबेक्सल नट को फुल टाइट एकदम दे देना है। तो चलिए हम फटाक से नहीं फुल टाइट देते हैं, फिर आप लोग को आगे बताते हैं। सो गाइस, तो ये देखिए हमारा जो बैलेंसर का जो नट था हबेक्सल नट, उसे हम फुल टाइट दे दिए हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अब बच्चा आसानी से ये साइकिल को चला पाएगा गाइस। जैसा कि हम आप लोग को बताएं कि लास्ट में हम आप लोग को एक चीज़ बताएंगे, इंपॉर्टेंट बात तो बताना चाहेंगे गाइस। ये जैसा कि आप पत्ती देख रहे हैं गाइस, तो ये पत्ती आपको जो है ब्रांडेड साइकिल जो होता है 2175 का, उसी में आपको ये पत्ती बैलेंसर में देखने को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। बाय द वे साइकिल में जो मीडियम क्वालिटी का होता है, ठीक है, उसमें आपको शायद मिल सकता देखने को, वरना नहीं मिलेगा। लेकिन ब्रांडेड जो साइकिल होता है किसी भी कंपनी का 2175 20 इंची साइकिल जैसा कि ये देख पा रहे हैं, उसी में आपको बैलेंसर में ये पत्ती देखने को मिलेगा। और एक जो हम आपको बताएं रड वाली, ठीक है गाइस, तो रड वाली जो होगा जिस तरीके से हम आपको चेन अलाइनमेंट और चक्का का अलाइनमेंट के बारे में बताएं मिलाने के लिए, चेन अगर आपका लूज है तो टाइट किस तरीके से करना है, तो उसी तरीके से बैलेंसर आपका लगा हुआ रहेगा। आपको नट को खोलना है, बैलेंसर को स्टेड मिला करके चक्का को मिडिल में करके चेन टाइट करके आपको जो है नट को टाइट करना है, फुल टाइट कर देना है, या आप प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ये बैलेंसर का प्रॉब्लम जो था हिलने का वो आपका फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से आपको कर लेना अगर रड वाली लगा हुआ है आपका साइकिल में। तो देखिए ये जो बैलेंसर हम फिट किए जैसा कि देख पा रहे हैं एकदम स्टेड में है, ठीक है गाइस, ना जरा सा आगे है ना जरा सा पीछे है। इस तरीके से आपको देख लेना स्टेड में करके और थोड़ा सा प्ले इस तरीके से देखने के बाद आपको जो है फिक्स कर देना है बैलेंसर को, जिस तरीके से हम आप लोग को बताएं इसी तरीका से कर लेना है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा और आसानी से हो जाएगा। इसमें एक और प्रॉब्लम जो आता है गाइस, जैसा कि हम आप लोग को बताएं टाइट करते समय कि नट स्लिप हो जाएगा तो फिर एक्सल चेंज करना पड़ेगा। अगर एक्सल स्लिप हो जाता है तो फिर आपको जो है एक्सल चेंज करवा ले, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जब तक ये आपका फुल टाइट नहीं रहेगा हाफ एक्सल नट, तब तक ये लूज होने का प्रॉब्लम होता ही रहेगा।